होशंगाबाद जिले में देर रात से झमाझम बारिश का दौर शुरू है। बारिश की वजह से तवा डैम का वाटर लेवल बढ़ जाने से डैम के 13 गेटों को 32 फीट पर खोला गया है। वहीं तवा डैम पे 4 लाख क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है। डैम से पानी छोड़े जाने से नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है। लगातार तेज बारिश से जिले के कई नदी नाले उफान पर आने से ग्रामीण इलाकों का शहर से संपर्क टूट गया है। तवा डैम में लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर आज सुबह डैम के 13 गेटों को 32 फीट तक खोला गया है। पिछली 2 दिनों से हो रही तेज एवं मूसलाधार बारिश के चलते होशंगाबाद सेठानी घाट का जलस्तर 970 फीट बढ़ा, जो खतरे के निशाने से ऊपर आ गया है। इधर तेज बारिश के चलते इटारसी के मेहरा गांव की नदी पर पानी आ गया है। पुलिस ने लोगों की सुरक्षा को लेकर बैरिगेट्स लगा दिए हैं। इसके अलावा तेज बारिश से शहर के निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बन गई है। इस बीच प्रशासन की रेस्क्यू टीम तैयार, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दूं कि नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में पानी भरने के कारण अंकिता नगर, बंगाली कॉलोनी, बीटीआई के पास नारायण नगर और संजय नगर की जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उन सबको रेस्क्यू किया जा करके NMB कॉलेज में जो रिलीफ शिविर है वहाँ पर रखा गया है। लगभग 200 परिवारों को लाया गया है और हमारे ये प्रयास है कि इस विपत्ति की घड़ी में हम सब मिल करके उनका सहयोग करें और जैसे ही जलस्तर कम होगा वो अपने घरों में वापस। सर कितने राहत केंद्र बनाए गए हैं होशंगाबाद? हमने होशंगाबाद में 5 राहत केंद्र बनाए हैं, लेकिन मेन जो है वो NMD कॉलेज में ही अभी लोग रुके हुए हैं। इनके राशन की व्यवस्था सर कहाँ से की जाएगी? शासन द्वारा जो हमारा एक राजस्व पुस्तक परिपत्र शासन